हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट स्टडी पॉइंट। मैं नेहा पांडे। तो वाटर चैप्टर का ये नेक्स्ट टॉपिक है सॉफ्टनिंग मेथड। जैसे कि आपको पिछले वीडियो में मैंने हार्डनेस ऑफ वाटर के बारे में बताया था कि वाटर की जो हार्डनेस होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट के बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड्स और सल्फेट्स घुले होने की वजह से होती है। तो पानी में अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन में से कोई भी जब बाइकार्बोनेट, क्लोराइड या सल्फेट या फिर बाइकार्बोनेट मिले होते हैं तो वाटर जो है वो हार्ड कहलाता है। तो हार्डनेस भी मैंने बताई थी आपको, आप लोगों को, कि टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस दो टाइप की हार्डनेस होती है। टेम्परेरी जो है बॉयल करके दूर की जा सकती है, कि अगर टेम्परेरी हार्डनेस है उसको अगर हम बॉयल करते हैं तो वो ख़त्म की जा सकती है। लेकिन जो परमानेंट हार्डनेस है वो बॉयल करके दूर नहीं की जा सकती। मतलब जो टेम्परेरी हार्डनेस होती है बाइकार्बोनेट्स की वजह से, तो बाइकार्बोनेट जो है अगर उनको हम बॉयल कर देते हैं तो वो ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन अगर हम जो क्लोराइड और सल्फेट हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के, तो उनको हम नहीं बॉयल करके ख़त्म कर सकते हैं। तो उसके लिए डिफरेंट टाइप के मेथड्स बनाए गए हैं, जिसमें से परम्यूटेड मेथड है, परम्यूटेड मेथड जिसको हम जियोलाइट मेथड बोलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है ये। अगर आप पुराने क्वेश्चन पेपर्स उठाएंगे तो उनमें आपको ये ज़्यादातर पूछा गया क्वेश्चन है। तो जियोलाइट के नाम से भी आ जाता है और परम्यूटेड के नाम से भी आ जाता है। आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड है, सोडा लाइम मेथड है, कैलगन मेथड है। तो ये कई चार पांच मेथड हैं, जिसमें से आपको सिर्फ दो ही मेथड पढ़ने हैं। आपके जो पॉलिटेक्निक का सिलेबस है उसमें सिर्फ दो ही मेथड हैं, एक तो है परम्यूटेड मेथड और एक है आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड। तो सबसे पहले आपको परम्यूटेड मेथड के बारे में बताती हूँ। तो परम्यूटेड मेथड जो जियोलाइट मेथड है, इसमें वाटर को सॉफ्ट करने के लिए जो इक्विपमेंट यूज़ किया जाता है, तो इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले जो टॉप दिया हुआ है, ये कंटेनर का जो टॉप है, यहाँ से हार्ड वाटर को फ्लो कराते हैं। तो हार्ड वाटर का मतलब ये हो गया कि इसमें जो कैल्शियम आयन है और मैग्नीशियम आयन है, इनके क्लोराइड्स होंगे, सल्फेट्स होंगे और बाइकार्बोनेट्स होंगे। तो ये आयन जो हैं इसमें प्रेजेंट होंगे। तो जब ये हार्ड वाटर ऊपर से फ़्लो करेगा, तो हार्ड वाटर जब ऊपर से फ़्लो करके आएगा, तो यहाँ पे आप कंटेनर में ये जो सैंड है, कोर्स सैंड मतलब मोटी रेत, तो मोटी रेत की दो लेयर यहाँ पे रखी गई हैं। एक ये लेयर है कोर्स सैंड की और एक ऊपर लेयर, और बीच में जो सब्सटेंस है परम्यूटेड, परम्यूटेड भी एक रेत की तरह ही होता है। ये एलुमिनियम का सिलिकेट होता है, इसका परम्यूटेड का फॉर्मूला जो होता है वो Na2Al2Si2O8 × XH2O, ये परम्यूटेड का फॉर्मूला होता है। इसको हम शॉर्ट में Na2Z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सोडियम के जो एल्युमिनियम के सिलिकेट होते हैं वही परम्यूटेड है, परम्यूटेड या फिर जियोलाइट के नाम से भी इसको जानते हैं। तो रेत की तरह ही होता है। तो परम्यूटेड को रेत की दो लेयर के बीच में रखते हैं। तो जब ऊपर से हार्ड वाटर आता है, तो हार्ड वाटर जो है रेत की पहली लेयर से छनने के बाद, फिल्टर होने के बाद आता है परम्यूटेड के पास। तो जब परम्यूटेड के पास आता है, तो परम्यूटेड के जो Na2Z होते हैं, मतलब कैल्शियम आयन हो गए या मैग्नीशियम आयन हो गए, तो ये क्या करते हैं, ये Na2Z के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम जियोलाइट और मैग्नीशियम जियोलाइट के प्रेसिपिटेट बना देते हैं। प्रेसिपिटेट मतलब अवक्षेप, मतलब जो ये सोडियम जियोलाइट है परम्यूटेड है, तो परम्यूटेड के साथ ये मिलके कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो आयन हैं वो प्रेसिपिटेट बना देते हैं। तो ये प्रेसिपिटेट जो है, ये नीचे वाली जो लेयर होती है रेत की लेयर, क्योंकि आपको पता है कि वाटर तो छन जाएगा लेकिन जो प्रेसिपिटेट है वो नहीं छनेगा, तो जो नीचे वाली लेयर है वो प्रेसिपिटेट को रोक लेती है और सारा प्रेसिपिटेट जो है वो यहीं पे रुक जाता है और जो सॉफ्ट वाटर है वो छन के बाहर आ जाता है। तो इस तरीके से जो हार्ड वाटर है वो सॉफ्ट में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब हार्ड वाटर जो है वो उसको सॉफ्ट वाटर बनाया जा सकता है। धीरे धीरे क्या होता है कि जो परम्यूटेड है इसका मतलब जो इसकी कैपेसिटी होती है वाटर को सॉफ्ट करने की, जो इसकी स्ट्रेंथ होती है, जो इसकी शक्ति होती है, वो धीरे धीरे क्षमता जो है वो ख़त्म होती जाती है। धीरे धीरे ये एग्जॉस्ट होता जाता है, मतलब ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि सारा परम्यूटेड जो है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के जियोलाइट के प्रेसिपिटेट बना देगा और धीरे धीरे जो है ये परम्यूटेड जो है वो
वाटर को सॉफ्ट करना बंद कर देगा। तो इसको दोबारा से रीजेनरेट करने के लिए क्या करते हैं कि ऊपर से NaCl का सॉल्यूशन डाला जाता है। जब हम NaCl का सॉल्यूशन डालते हैं तो ये NaCl का सॉल्यूशन जो कैल्शियम जियोलाइट और मैग्नीशियम जियोलाइट है इनके साथ रिएक्शन करके दोबारा से सोडियम जियोलाइट बना देता है, और दोबारा से सोडियम जियोलाइट बन जाता है और दोबारा से ये वाटर को सॉफ्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो ये भी मैंने आपको समझाया, इसको मैं थोड़ा सा और थ्योरी के थ्रू भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो थ्योरी में दिया हुआ है दिस प्रोसेस इज़ यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ बोथ टेम्परेरी एज वेल एज परमानेंट हार्डनेस। मतलब इस मेथड के थ्रू हम टेम्परेरी हार्डनेस भी और परमानेंट हार्डनेस भी दोनों तरीके की हार्डनेस को हम ख़त्म कर सकते हैं, सॉफ्ट कर सकते हैं वाटर को। तो इन दिस प्रोसेस ए मिक्स्ड सिलिकेट ऑफ सोडियम एंड एल्यूमिनियम विच इज़ कॉल्ड परम्यूटेड और जियोलाइट। मतलब जो सोडियम और एल्यूमिनियम के जो मिक्स्ड सिलिकेट होते हैं जिसको हम परम्यूटेड या फिर सोडियम जियोलाइट कहते हैं, उसको हम वाटर की सॉफ्टनिंग में यूज़ करते हैं। तो केमिकल फार्मूला सोडियम जियोलाइट का, जैसे कि मैंने अभी आपको पहले ही बताया है कि Na2Al2Si2O8 × XH2O, ये भी एक नंबर में पूछ लिया जाता है। तो जब जो एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आपको ये पूरा फार्मूला ही लिखना होगा, उसमें आप ये शॉर्ट वाला फार्मूला नहीं लिखेंगे। तो उसमें जब आप ये पूरा फार्मूला लिखेंगे तभी आपको 1 मार्क मिलेगा। इट कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज Na2Z। तो जो सोडियम जियोलाइट है उसका ये फार्मूला है, सोडियम जियोलाइट मतलब परम्यूटेड, परम्यूटेड या फिर हम उसको जियोलाइट के नाम से भी जानते हैं। इन दिस प्रोसेस ए थिक लेयर ऑफ परम्यूटेड इज केप्ट बिटवीन टू लेयर ऑफ कोर सैंड। जैसे कि आपको बताया कि जो कोर सैंड होती है, मोटी रेत होती है, उसके बीच में परम्यूटेड को रखते हैं। हार्ड वाटर इज पोर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल, जो वेसल है सिलेंडर उसमें ऊपर से हार्ड वाटर को फ्लो कराया जाता है। इट पासिस थ्रू द सेंड एंड देन कम्बाइंड विद जियोलाइट टू फॉर्म द प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम जियोलाइट। तो हार्ड वाटर जो है वो आता है और कम्बाइन होता है जियोलाइट के साथ और क्या बना देता है, प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम जियोलाइट। लोअर लेयर ऑफ सेंड रिटेन्स दीज प्रेसिपिटेट्स, मतलब जो लोअर लेयर है सेंड की, रेत की जो नीचे वाली लेयर है, वो इस प्रेसिपिटेट को रोक लेती है, अवक्षेप को रोक लेती है। एंड सॉफ्ट वाटर इज ऑब्टेंड बाई द आउटलेट पाइप, जो नीचे आउटलेट पाइप लगा होता है वहाँ से सॉफ्ट वाटर निकाल लिया जाता है। इसके बाद इस मेथड में जो रिएक्शन, मतलब किस तरीके से टेम्परेरी और परमानेंट हार्डनेस रिमूव होती है सोडियम जियोलाइट के थ्रू, तो उसमें जो रिएक्शन इन्वॉल्व है तो उन रिएक्शन को मैं बता देती हूँ। जैसे कि टेम्परेरी हार्डनेस मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि टेम्परेरी हार्डनेस जो होती है वो बाइकार्बोनेट कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की वजह से होती है। तो जैसे हमने यहाँ पर कैल्शियम बाइकार्बोनेट ले लिया, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, तो यहाँ पर रिएक्शन ये सोडियम जियोलाइट के साथ करेगा। सोडियम जियोलाइट के साथ जब रिएक्शन होगी तो कैल्शियम और जो जियोलाइट है वो बना देंगे प्रेसिपिटेट, तो ये प्रेसिपिटेट बन गया प्लस 2NaHCO3। इसी तरीके से मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट में भी सेम क्या होगा कि मैग्नीशियम जियोलाइट के प्रेसिपिटेट बन जाएंगे और 2NaHCO3 मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाएंगे, कार्बोनेट बन जाएंगे। इसके बाद जो परमानेंट हार्डनेस, तो ये तो बाइकार्बोनेट, क्योंकि टेम्परेरी हार्डनेस सिर्फ कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की वजह से होती है। परमानेंट हार्डनेस जो है वो कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट होने की वजह से होती है। तो हम सबसे पहले ले लेते हैं CaCl2 प्लस, यहाँ पे भी सोडियम जियोलाइट रिएक्शन करके कैल्शियम जियोलाइट के प्रेसिपिटेट बनाएगा प्लस 2NaCl। ठीक, इसी तरीके से MgCl2 सोडियम जियोलाइट रिएक्शन करेगा और MgZ के प्रेसिपिटेट, ये जो नीचे की तरफ एरो लगा हुआ है ये एरो शो करता है प्रेसिपिटेट को, अगर ऊपर की तरफ एरो लगा होता जो कि शो करता है कि गैस बन रही है, और नीचे की तरफ एरो जो है वो प्रेसिपिटेट यानी कि अवक्षेप को शो करता है। तो ये तो क्लोराइड दोनों कैल्शियम और मैग्नीशियम के हो गए। इसके बाद सल्फेट, तो Na2Z के साथ रिएक्शन होगी
कैल्शियम जियोलाइट के, और Na2SO4। सेम इसी तरीके से MgSO4। इन रिएक्शन को आपको याद रखना है, वैसे अगर आप टॉपिक समझ गए होंगे सारा जो डायग्राम के थ्रू मैंने आपको समझाया, तो आप ये रिएक्शन भी आराम से लिख सकते हैं। इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, समझ के लिख सकते हैं। अगर इन केस आप भूल जाते हैं तो कोई भी इसमें से दो तीन रिएक्शन लिख सकते हैं, और सारी लिखते हैं तो और अच्छी बात है। तो ये रिएक्शन जो है, जो कि इन्वॉल्व हैं इस जो परमानेंट हार्डनेस और टेम्परेरी हार्डनेस इस तरीके से रिमूव होती है परम्यूटेट के थ्रू, सोडियम जियोलाइट के थ्रू, कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के जियोलाइट के प्रिसिपिटेट बन जाते हैं। और रीजेनरेशन का जैसे कि मैंने आपको बताया था, मतलब धीरे धीरे जो परम्यूटेट है उसकी कैपेसिटी ख़त्म होने लगती है और वो एग्जॉस्ट होने लगता है, और वो नहीं जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है उनको नहीं कन्वर्ट कर पाता है उसमें प्रेसिपिटेट में, तो उसको दोबारा से रीजेनरेट करने के लिए, यानी कि परम्यूटेट को पुनः प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं कि ऊपर से NaCl सॉल्यूशन, जो साधारण नमक का घोल होता है 10% NaCl सॉल्यूशन, उसको टॉप से ऐड किया जाता है। तो उसको जब हम टॉप से ऐड करते हैं तो क्या होता है कि दोबारा से सोडियम जियोलाइट बन जाता है। तो जैसे कि आपको पता है कि जो परम्यूटेट जो सॉफ्ट कर रहा था वाटर को, तो वो क्या कन्वर्ट कर रहा था, कैल्शियम जियोलाइट के प्रेसिपिटेट और मैग्नीशियम जियोलाइट के प्रेसिपिटेट। तो ये ऑलरेडी बने बनाए हैं, तो इनमें जब ऊपर से NaCl का घोल आता है, तो जब NaCl का घोल आता है तो वो इनके साथ रिएक्शन किस तरीके से करता है कि NaCl जब मिलेगा इनके साथ कैल्शियम जियोलाइट और मैग्नीशियम जियोलाइट के साथ, तो CaCl2 प्लस Na2Z, यानी कि जो रिएक्शन पहले हो रही थी वही जो है रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगी जब NaCl का घोल डालेंगे हम, तो जो कैल्शियम और मैग्नीशियम जियोलाइट थे वो कन्वर्ट हो जाएंगे वापस से परम्यूटेड में, परम्यूटेड यानी कि सोडियम जियोलाइट में, और दोबारा से जो है वो वाटर को सॉफ्ट करना स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरीके से जो परम्यूटेड है उसको हम रीजनरेट कर लेते हैं, और रीजनरेट करने के बाद उसको हम दोबारा से वाटर को सॉफ्ट करने में हेल्प करते हैं, करने लगता है। तो आई होप आपको ये टॉपिक पूरा क्लियर होगा, हो गया होगा, और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो सब लोग इसको बहुत अच्छे से तैयार करिएगा, और इनकेस कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें इसको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।